होलिका दहन की कहानी। कई कथाएं जुड़ी हुई है होलिका दहन से संबंधित, जिसमें से कुछ कथाएं पौराणिक हैं और धर्म से भी जुड़ी हुई है। इसलिए आज हम आपको एक नहीं चार कहानी सुनाएंगे। सबसे पहली कहानी तो जो होलिका दहन से सबसे एक नंबर से जुड़ती है, जिसके कारण ही होलिका दहन नाम पड़ा है, राजा हिरण्यकश्यप अहंकारवश स्वयं को ईश्वर मानने लगा था और उसकी इच्छा थी कि केवल उसी का पूजन किया जाए। लेकिन उसका स्वयं का पुत्र प्रह्लाद भगवान विष्णु का परम भक्त था और पिता के बहुत समझाने के बाद भी जब पुत्र ने भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा बंद नहीं की करनी, तो हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को दंड देने के लिए उसे आग में जलाने का आदेश दिया। इसके लिए राजा ने अपनी बहन होलिका से कहा कि प्रह्लाद को जलती हुई आग में लेकर बैठ जाए, क्योंकि होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि वह आग में जलेगी ही नहीं। इस आदेश का पालन हुआ और होलिका प्रह्लाद को लेकर आग में बैठ गई। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि होलिका जल गई और प्रह्लाद नारायण कृपा से बच गए। अब यह देखकर हिरण्यकश्यप अपने पुत्र से और अधिक नाराज हो जाते हैं और हिरण्यकश्यप को वरदान था कि वह ना तो दिन में मरेगा, ना रात में मरेगा, ना जमीन पर मर सकता है, ना ही आकाश में मर सकता है, ना पाताल में मर सकता है, ना कोई उसे मनुष्य मार सकता है और ना कोई जानवर पशु पक्षी। इसलिए भगवान को उसे मारने के लिए शाम का समय चुनना पड़ा, संध्या का वक्त। आधा शरीर सिंह का था, आधा शरीर मनुष्य का था। नरसिंह अवतार में भगवान श्री हरि विष्णु ने अवतार लिया और श्री यहाँ पर भगवान के अवतार लेने से हिरण्यकश्यप की हत्या न जमीन पर की उन्होंने, न आकाश पर, बल्कि अपनी गोद में लेकर संध्या के समय हत्या की। इस तरह बुराई की हार हुई और अच्छाई की जीत हुई। अब हम दूसरी कहानी बताएंगे आपको। देखिए, पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है कि हिमालय पुत्री पार्वती जी की यह इच्छा थी कि उनका विवाह केवल भगवान शिव से हो। सभी देवता भी यही चाहते थे कि देवी पार्वती का विवाह ही भगवान शिव से होना चाहिए, लेकिन भोले भंडारी थे कि सदैव गहरी समाधि में लीन रहते थे। ऐसे में माता पार्वती के लिए भगवान शिव के सामने अपने विवाह का प्रस्ताव रखना बहुत कठिन होता जा रहा था। अब पार्वती जी ने कामदेव जी से सहयोग मांगा। पहले तो कामदेव जी बहुत डरते हैं कि शिव जी का समाधि भंग करना है, लेकिन संसार के कल्याण के लिए उन्होंने ऐसा करने को हाँ कह दिया। अब कामदेव ने भगवान शंकर की तपस्या भंग करने के लिए प्रेमवान चलाया और जिसके फलस्वरूप भगवान शिव की तपस्या भंग हो गई। अब भंग होते ही शिव जी का तीसरा नेत्र खुल गया और इस तीसरे नेत्र के खुलने से कामदेव भस्म हो जाते हैं। फिर भगवान शिव ने माँ पार्वती से विवाह कर लिया और होलिका दहन का पर्व चूंकि कामदेव के भस्म होने से संबंधित है, इसलिए इस दिन होलिक जो व्यक्ति का काम इच्छा है ना, उसको जला देने का पर्व है। यानी संतुलित मात्रा में सब कुछ हो, वासनाओं से उठकर जीवन व्यतीत करें, यही इस पर्व का मर्म भी है। एक और कथा आती है कि होली से जुड़ी हुई एक अन्य कथा के अनुसार हम माने तो फाल्गुन पूर्णिमा के दिन जो लोग अपने मन को एकाग्र कर, अपने चित्र को एकाग्र कर भगवान विष्णु को झूले में बिठाकर झुलाते हैं, तो झूलते हुए विष्णु जी के दर्शन करते हैं, उन्हें पुण्य स्वरूप वैकुंठ की प्राप्ति होती है, मनचाही मनोकामना भी पूर्ण होती है। और सबसे अंत में एक और कथा आती है, जरा सुनिएगा। पुराणों के अनुसार नारद जी एक बार युधिष्ठिर से निवेदन करते हैं कि राजन, फाल्गुन पूर्णिमा के दिन सभी लोगों को अभयदान मिलना चाहिए ताकि सभी कम से कम एक दिन तो पूरे साल रहे ना रहे, एक दिन तो प्रसन्न रहे, खुशियां मनाएं। इस पर युधिष्ठिर ने कहा कि इस दिन हर्ष और खुशियों के साथ यह पर्व मनाया जाएगा और उसके पाप प्रभाव का नाश होगा। उस दिन से पूर्णिमा के दिन हंसना, होली खेलना बहुत आवश्यक हो गया। हर हर महादेव। धन्यवाद।